में से 11 स्टूडेंट सबसे पहले सिलेबस की बात है, सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। आप सब तो सर्वेइंग पढ़ ही चुके हो, सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स है ये। इसमें अगर आप देखोगे यूनिट फर्स्ट, ये यूनिट फर्स्ट अपने आप में पूरी एक सर्वेइंग है, ठीक है। जो पहले सिलेबस आता था वो सर्वेइंग का यही आता था पूरा, अब इन्होंने क्या किया सर्वेइंग में जो इन्फॉर्मेटिक भी ऐड कर दिया, इसलिए सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, टॉपिक बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। पहली फर्स्ट यूनिट में ही हमें दो तीन दो महीने लग गए थे इसको कंप्लीट करने में, उसके बाद तो छोटी छोटी यूनिट है, लेकिन फर्स्ट यूनिट आपकी काफ़ी बड़ी है। अब फर्स्ट यूनिट में क्या है, सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन है, लेवलिंग है, कंपास सर्वेइंग है, कंटूरिंग भी है, थियोडोलाइट भी है, ट्राइंगुलेशन भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग, सारे टाइप की लेवलिंग, बेयरिंग, आपका राइज एंड फॉल मेथड, आपका हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड, सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट यूनिट में आ जाती है। तो न्यूमेरिकल के बेस पे आपका यूनिट फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन वन फर्स्ट यूनिट से आएंगे। चल रहा है। अपने आप को म्यूट कर लो भाई, क्या बात कर रहे हो। तो सर्वेइंग, सर्वेइंग होती क्या है बेसिकली, सर्वेइंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन कैलकुलेट करने को सर्वेइंग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, अर्थ की सरफेस पे, पानी में, कहीं भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन पता करने को हम सर्वेइंग कहते हैं। अब रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि पहले से कोई अननोन नॉन पॉइंट है हमारे पास, कोई नॉन पॉइंट है जिसकी पोजीशन पता है, उसके कंपैरिजन में उसकी पोजीशन क्या है वो निकालने को हम क्या कहते हैं, सर्वेइंग कहते हैं। ज़्यादातर इंटरव्यू में दो क्वेश्चन सर्वेइंग के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो व्हाट इज सर्वेइंग, इसकी डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ पूछ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन आपके इंटरव्यू के पर्पज से। जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, जो सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट और स्टेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस एंगल, टेकिंग द डिटेल ऑफ दिस पॉइंट बाय प्रिपेयरिंग मैप और प्लान ऑन एनी सुटेबल स्केल। ये प्रॉपर सर्वेइंग की इन्होंने डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे किसी भी पॉइंट की, जो पॉइंट अर्थ की सरफेस के ऊपर, नीचे या उसके उपास है या फिर पानी में है, उसकी रिलेटिव पोजीशन कैलकुलेट करने को हम कहेंगे सर्वेइंग, ठीक है। अब वो मेजरमेंट जो हो सकती है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल हो सकते हैं, डिटेल आपका क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, एंगल्स हो सकते हैं। और ये सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारा सर्वेइंग का प्लान बनाना, ठीक है। अब सर्वेइंग और आगे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर इंजीनियर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा एक बिल्डिंग कैसे बनती है उसे सर्वेइंग का पार्ट कहाँ आता है, थोड़ा सा गला खराब है, कहाँ आता है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले छोटे से सिंपल एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि मेरे पास, या हिमांशु का नाम याद आ रहा था, हिमांशु के पास एक प्लॉट है, और प्लॉट को हम मेजरमेंट ज़्यादातर लोग किस में करते हैं, गज में या मीटर स्क्वायर में। तो मान लो 100 गज का एक प्लॉट है, 100 गज का एक प्लॉट है किसी जगह पे, उसको इस प्लॉट बनवाना है, ठीक है। तो बनवाने के लिए सबसे पहले वो ये देखेगा, हिमांशु मेरे पास बजट कितना है और मैं कैसे बनवाना है, ठीक है, कितने फ्लोर का बनवाना है। उसके बाद वो अपनी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचेगा कि एक फ्लोर पर कितने रूम होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। इसलिए वो जाएगा आर्किटेक्चर के पास, और आर्किटेक्चर के पास जाने के बाद वो उसका मैप बनवाएगा, ठीक है।
मैप बनवाएगा। अब मैप बनवाने के बाद आर्किटेक्चर एक सिविल इंजीनियरिंग को हायर करेगा, या उसको स्ट्रक्चर इंजीनियर कहते हैं, वो उसको डिज़ाइन करेगा। इन सब में या तो स्ट्रक्चर इंजीनियर या आर्किटेक्चर ही एक और बंदे को हायर करेगा, वो है एक सर्वेयर। सर्वेयर का काम क्या होगा, उस प्लॉट पे जाके उस प्लॉट की डायमेंशंस को मेजर करना, उस प्लॉट की लेवलिंग को मेजर करना, कितना ऊंचा है प्लॉट, कितना नीचा है, कहाँ किस किस पॉइंट पे, उसमें मिट्टी भरनी पड़ेगी या मिट्टी निकालनी पड़ेगी, जिस लेवल पे हमें वो बनाना है, क्या स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, क्या है उसका साइज है। क्योंकि प्लान तो पहले हमें प्लॉट का साइज पता होना चाहिए, है ना, उसके बाद प्लान मैप बनेगा, आर्किटेक्चर बनाएगा। तो सर्वेयर जो होगा, ये सब होता नहीं है प्रैक्टिकली छोटे मोटे प्लॉट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए होता है, लेकिन बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ये तरीका है। उस प्लॉट की सारी डायमेंशन मेजरमेंट करेगा और फिर उसको ड्रॉ करेगा एक स्केल यूज करके, क्योंकि आज जितना बड़ा प्लॉट है उतना बड़ा पेपर तो ला नहीं सकते उससे भी ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो एक छोटे पेपर पे एक बड़ी चीज को ड्रॉ करने के लिए एक स्केल यूज होगा, कि 10 मीटर की लाइन को 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, और उस स्केल को यूज करके वो प्लान बनाएगा, केवल उसकी सारी बाउंड्री लोकेट करेगा वहां पे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के इंजीनियर होते हैं, और सॉइल का इंजीनियर होता है जो सॉइल टेस्टिंग करता है फाउंडेशन की वजह के लिए, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है जो स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन करेगा कि बिल्डिंग कितने फ्लोर की बनी, तो बीम कॉलेज का साइज क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इंजीनियर हैं जिसमें से एक सर्वेइंग है। सर्वेयर का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में कम लोग जाते हैं, इसलिए इसका स्कोप भी ज़्यादा है, ठीक है। और ये हर प्रोजेक्ट में एक सर्वेयर की जरूरत तो होती होती है, आपने देखा होगा बाहर रोड पे, हाईवे पे एक ट्राईपॉड पे एक इंस्ट्रूमेंट लेके लोग खड़े होते हैं, वो सर्वेयर ही होते हैं, ठीक है। तो सर्वेयर का काम क्या है, केवल मेजरमेंट्स करना, उस मेजरमेंट के डाटा की हेल्प से मैप और प्लान बनाना, उस प्लान की हेल्प से उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, ये प्रोसीजर होता है। थर्टीन स्टूडेंट हैं अभी, 4 स्टूडेंट रह गए हैं, ठीक है। तो सर्वेइंग की ये डेफिनेशन थी, ये कुछ इमेजेस है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक सर्वेयर एक ट्राईपॉड लेके, येलो कलर का ट्राईपॉड, उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट आ रहा है लेवलिंग। सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन मेथड, बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, कई सारे क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन अगर हम अभी हमने सर्वेइंग की डेफिनेशन में बात की, आपके किसी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन, यहाँ पे बाइट कर रहे हैं किसी पॉइंट की रिलेटिव हाइट, बस इतना डिफरेंस है। पोजीशन में तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस की बात होती है, लेकिन लेवलिंग में केवल हाइट की बात होती है। तो लेवलिंग क्या है, इज ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग विच डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। दस इन लेवलिंग द मेजरमेंट रिलेटिव आर टेकन इन द वर्टिकल प्लेन, तो इसको हम लेवलिंग कहते हैं, ठीक है। कोई भी ग्राउंड है, अब ग्राउंड में ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है इनके बीच में एक रिलेटिव हाइट है। इस ये पॉइंट किसी एक बेंचमार्क से, बेंचमार्क होता है आपका जो वो पॉइंट जिसका समुद्र तल से ऊंचाई आपको पता है, ये बेंचमार्क है। इस बेंचमार्क से ये पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है 1 मीटर पे है, और ये पॉइंट जो है ये -0 पॉइंट पे है ना। तो अगर हमें सारे पॉइंट, आप वो पॉइंट कितने पास पास होने हैं, वो सब डिटेल आगे पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट पे मेथड पे डिपेंड करता है। अगर हम ये पॉइंट्सों की हाइट किसी एक रिलेट पॉइंट से, बेंचमार्क से रिलेटिव हाइट पता होगी, तो हम पेपर पे जब ड्रॉ करेंगे तो हमें पता जाएगा उस ग्राउंड की प्रोफाइल क्या है, ऊंचा नीचा कैसा है का, ठीक है। तो
कितना है, हम आंखों से हम देख तो सकते हैं कि ऊंचा नीचा है, पर कितना ये नहीं पता होगा हमें। ये नहीं पता कि यहाँ पे अगर इसको किसी प्रोजेक्ट के लिए ग्राउंड को फ्लैट करना है तो कितनी मिट्टी यहाँ पे फिल करनी है और कितनी कटिंग करनी है ना, और स्लोप कितना है, किधर की साइड है, तो सब हमें लेवलिंग की हेल्प से ग्राउंड की प्रोफाइल हमें पता चल जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं लेवलिंग, जो है आप एक सर्वेइंग की ब्रांच जिसमें किसी भी पॉइंट की रिलेटिव हाइट ऑन अबाउट और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ हम कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं कि एक सर्वेयर अपने एक ट्राइपॉड पे इंस्ट्रूमेंट से आई से देख रहा है, और एक जो स्टाफ है वो स्टाफ, इसको भी स्टाफ बोलते हैं, इसको भी स्टाफ कह सकते हैं या हेल्पर कह सकते हैं, हेल्पर स्टाफ लेके खड़ा हुआ है, एक पैग लगाया हुआ है, एक वुडन पैग होता है उसके ऊपर स्टाफ को रखा है, और जब ये सर्वेयर देखा जा रहा है तो 1260 mm यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड से ये पॉइंट 1260 mm है ये पॉइंट, ठीक है। अभी मेरे से बोला नहीं जा रहा है, तो ऐसा करते हैं इस क्लास को यहीं पे हम लीव करते हैं, और कोई भी किसी को कोई और डाउट हो किसी और चीज के, सब्जेक्ट को ना लेके किसी भी चीज को लेके, ओलंपस को लेके, ईमेल आईडी को लेके, ठीक है। ये आपको जैसे अभी हिमांशु ने बताया ना कि जो इनविटेशन है पहले उसको एक्सेप्ट करना है जो मेल आया है, उसके बाद उस प्रोसेस के बाद आपको अगर तब भी नहीं होता तब मुझे फिर व्हाट्सअप करना है, ठीक है, पर्सनल मैसेज करना है। ग्रुप पे ना बहुत सारे मैसेज आते हैं ओलंपस को लेके, ओलंपस को लेके मुझे पर्सनली करना है ये स्टेप फॉलो करने के बाद, ठीक है, क्योंकि ओलंपस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो फिर क्लास है, क्योंकि आपको वहीं से देखनी है, फिर उन्हीं क्लासेस के बेसिस पे कोई जो डाउट क्लास होगी। सर, आपका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में किस नेम से, एंड में क्या डिजिट है? ये चैट दिखाई दे रहा है, मैं यहीं पे डाल देता हूँ नंबर, है ना। ओके सर। ठीक है, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मैंने भेज दिया है, लेकिन पहले वो स्टेप जो हिमांशु ने बताए वो फॉलो करना, और जब ना हो तो स्क्रीनशॉट के साथ मेरे को, है ना, पर्सनली करना। मैं ग्रुप का ज्यादा देखता नहीं हूँ ऐसे, तो पर्सनली कर देना, ठीक है। मैं इसको क्लास को ना लीव कर रहा हूँ, 1 मिनट, अभी आप सब मत जाना, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लो, जब तक फैकल्टी ना बोले ना, जब जो भी क्लास आपकी हो रही है वहां से जाना मत, क्योंकि अटेंडेंस फिर वो डाउनलोड में आपका नाम नहीं आएगा। मैं देख लेता हूँ डाउनलोड हो गई है या नहीं, ठीक है, हो गई है डाउनलोड, अब आप लीव कर सकते हो इस क्लास को।